हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल गोयल इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 11th चैप्टर 15th स्टैटिस्टिक्स की एक्सरसाइज 15.1 के सॉल्यूशंस। बहुत ही ज़्यादा आराम से करेंगे और हम समझेंगे कि इन क्वेश्चंस को कैसे कैसे करना है। एक ही रिक्वेस्ट है मेरी, इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, और आपको नई नई अपडेट्स मिलती रहेंगी। Now let's go ahead and solve this question, which says find the mean deviation about mean, और हमें डेटा दिया गया है। क्वेश्चन वन है एक्सरसाइज 15.1 का। लेट्स सी, ये हमारे पास स्टेटमेंट आ गई है, तो इसे हम एक बार वर्टिकल ऑर्डर में लिख लेते हैं। एज वी ऑल नो कि ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे पास गिवन हैं एक्स आई फॉर्म में होती हैं, तो लिखते हैं 4, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 17, इनका टोटल कर लेते हैं 17, 13, 30, 42, 52, 61, 69, 76, 80। सो सिग्मा एक्स आई इज इक्वल टू 80। आई होप यू आर ओके विद इट। हमें पता होना चाहिए कि जब हमने मीन डिविएशन निकालनी है तो सबसे पहले हमें मीन निकालना होता है। मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स आई अपॉन एन। सिग्मा एक्स आई क्या है मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स या फिर ऑब्जर्वेशंस। मैं दोनों ही लिख देता हूं। तो यहां पे अगर हम काउंट करें कि हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड सम इज 80। तो देयरफॉर मीन क्या आ जाएगा, हमारे पास मीन आ जाएगा 80/8 इज इक्वल टू 10। दिस इज द मीन। मैंने हमेशा एक बात बोली है कि स्टैट्स में हमें फार्मूला आना चाहिए और हमें पहले फार्मूला लिख भी लेना चाहिए। हमें यहाँ पे लिखना चाहिए मीन डिविएशन अबाउट मीन, ब्रैकेट में हम लिख लेंगे MD अबाउट मीन इज इक्वल टू, फॉर्मूला है हमारे पास सम ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ डिविएशंस फ्रॉम मीन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अगर अब देखिए कि मीन डिविएशन अबाउट मीन निकालना है तो हमें सम ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी जो कि डिविएट करती हैं फ्रॉम मीन से, तो उसको हम कैसे लिखेंगे, एक्स आई माइनस मीन या मीन माइनस एक्स आई, आप कुछ भी लिख लीजिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ये सारी की सारी एब्सोल्यूट वैल्यूज़ हैं और ये मॉड जो होता है वो एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन होता है। अब हम लिखते हैं 10 हमारा मीन है, 6, 3, 2, 1, 0, 2, 3, 7 टोटल करेंगे इनका, सिग्मा एक्स आई माइनस मीन एब्सोल्यूट वैल्यू इज इक्वल टू 7, 3, 10, 12, 13, 15, 18, 24। अब हम वैल्यूज़ को फॉर्मूला में डाल देंगे और हमारा काम आसान हो जाएगा। 24/8 इज इक्वल टू 3, 8 3 ज़ा 24, दैट इज़ द मीन डिविएशन अबाउट मीन। इट वॉज सो ईजी। चलिए जी, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 और उसकी स्टेटमेंट लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ ऑल्सो ऑफ सिमिलर टाइप कि हमें एक इंडिविजुअल सीरीज़ दी गई है और उसका मीन डिविएशन अबाउट मीन निकालना है। लेट मी राइट द स्टेटमेंट, और अगर हम इसे काउंट करें तो ये टोटल टर्म्स 10 हैं, इनका टोटल कर लेते हैं, टोटल आएगा 500। मैं आपको बता दूं कि टोटल के लिए हमने वैदिक मैथ्स का एक वीडियो बनाया है जिससे टोटलिंग बहुत आसान हो जाती है, अदरवाइज स्टूडेंट्स को मुश्किल लगती है टोटलिंग, ठीक है। तो आप ध्यान से उस वीडियो को देखिएगा और आपको फिर भी कोई दिक्कत आए तो मेरे साथ ज़रूर कंसल्ट कीजिएगा। जैसा कि हमें पता है मीन डिविएशन अबाउट मीन निकालने के लिए हमें एब्सोल्यूट वैल्यूज़ चाहिए होती हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स आई माइनस एक्स बार यानी मीन मॉड में, साइन हम कंसिडर नहीं करते हैं। अब हमें क्या चाहिए, हमें मीन चाहिए,
तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे एक रफ कॉलम बना के वहाँ पे ही कैलकुलेशन करूँगा, ताकि आपको पता चल जाए कि क्वेश्चन हुआ कैसे है। अदरवाइज स्क्रीन ऊपर नीचे करने से बच्चे कई बार समझ नहीं पाते हैं और उनका लिंक टूट जाता है, ठीक है। लेकिन आपको रजिस्टर में जब करेंगे तो डेटा के नीचे ही काम करना है, अलॉन्ग साइड नहीं करना है। तो चलिए जी, अब हमारे पास एक सेपरेट कॉलम आ गया है। सबसे पहले हम निकालेंगे मीन। मीन का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? एज वी ऑल नो, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन यानी सिग्मा एक्स आई अपॉन एन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। सम क्या है? 500। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है? 10। एंड इट विल कम अप टू बी 50। ये तो आ गया मीन। अब हमें मीन डिविएशन निकालनी है, उसके लिए एब्सोल्यूट वैल्यूज़ निकालनी होंगी। एब्सोल्यूट वैल्यूज़ निकालते हैं हम 12, 22, 10, 8, 5, 13, 4, 4, 6। अब इन सब का हम टोटल कर लेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था, हम वैदिक मैथ्स का ट्रिक लगाएंगे। सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार एब्सोल्यूट वैल्यू, और इनका टोटल आ जाएगा, अगर हम वैसे मैनुअली भी करें तो आसान है, 84। अब मैं यहाँ पे लिख दूंगा, मीन डिविएशन अबाउट मीन इज इक्वल टू सिग्मा एब्सोल्यूट वैल्यू अपॉन एन। तो एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी है? 84 अपॉन 10 इज इक्वल टू 8.4, एंड दैट्स द आंसर। इट इज़ सो ईजी।